का करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने बड़ी राहत दी है। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने पैरवी की थी। 9000 पदों पर अटकी हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में बड़ी राहत यहां पर मिली है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटा दी है। जहां आपको बता दें, जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने ये बड़ी राहत दी है। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने याचिका दी थी। 9000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में यह बड़ी राहत कही जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया से लगी हुई रोक को हाईकोर्ट ने फिलहाल हटा दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में बड़ी राहत आज अभ्यर्थियों को मिलती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, अगर दिवाली के बाद की बात की जाए तो प्रदेश के तकरीबन 9000 बेरोजगारों को ये बड़ी खबर मिली है। जब हाईकोर्ट से जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 है उसकी कट ऑफ को लेकर जो स्टे लगा हुआ था वह आज हटा दिया गया है। जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने ये स्टे हटाया है। इसके साथ ही जल्द अब नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा, क्योंकि अब आरपीएससी की ओर से कट ऑफ जारी करके सीधी नियुक्ति दी जाएगी। आरपीएससी की ओर से अगर बात की जाए तो आरपीएससी की ओर से मिर्जा बेग ने इस पूरे मामले की पैरवी की है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो कट ऑफ का एक मुद्दा था उसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वे कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। लेकिन आज जब कट ऑफ को लेकर अदालत में आरपीएससी की ओर से अपना पक्ष रखा गया, साथ ही ये कहा गया कि भर्ती को लेकर कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ के आधार पर जो 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे उनके आधार पर ही जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति दी जाएगी। आरपीएससी की ओर से जो पेश किए गए जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट दिखा और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाने के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल। और अब इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है भर्ती को लेकर, नियुक्ति को लेकर, वो कब तक शुरू हो जाएगी? चूंकि अब रोक हट चुकी है तो प्रक्रिया की क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, अब प्रक्रिया की बात की जाए, जो हाईकोर्ट का आदेश है अब आरपीएससी के जो अधिवक्ता हैं वह आरपीएससी तक इस आदेश को पहुंचाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त होने के साथ ही आरपीएससी की ओर से अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कवायद शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कट ऑफ जारी की जाएगी। जो मेरिट के आधार पर 9000 शिक्षक है उनको नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो 1.5 गुना अभ्यर्थी इसमें पूरे पास किए गए थे, तो ऐसे में बचे हुए अभ्यर्थियों को अपनी उनको भी इंतजार रहेगा, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दूसरी सर्विसेज में चयन हो गया है, तो वो ऐसे पदों पर जो नियुक्ति नहीं ले पाएंगे उन पदों पर फिर एक बार से कट ऑफ जारी की जाएगी। तो ऐसे में प्रदेश के तकरीबन 9000 से ज्यादा जो बेरोजगार हैं, नियुक्ति की आग देख रहे थे, 2018 की भर्ती है, एक साल से ज्यादा का समय हो गया, तो कहीं ना कहीं दिवाली के बाद एक बड़ा तोहफा उनको आज मिला है। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, जहां पर हाईकोर्ट ने ये आदेश फिलहाल दे दिया, 2018 9000 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी, जो रोक लगी हुई थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक